भागते चले गए। दूसरे भाइयों ने बड़े भाई को आगे खेलने से रोकने के अनेक यत्न किए, किंतु जैसे ही युधिष्ठिर मारने को होते शकुनी उन्हें और उकसा देता। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मिस्टर गो के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मिस्टर गो यानी मैं उदित राणा। तो जो आज का सफ़र होने वाला है, जो स्टार्ट होने वाला है, वो हम करने वाले हैं हरियाणा कुरुक्षेत्र से। तो बिना देरी किए चलते हैं हरियाणा की तरफ। तब तक स्टे ट्यून। फाइनली दोस्तों हमारा पैकिंग वगैरह कम्प्लीट हो चुका है। अब हम दोनों हरियाणा से होते हुए निकलेंगे। तो ये मेरा बैग है और ये मेरा बैग, इसका बैग है। तो हम दोनों अब रेडी है। अभी 10 बज रहे, 12 बजे के बाद हम निकलेंगे यहाँ से। तो अभी तो सारा सामान ऐसे हो रहा, थोड़ा बहुत है जो संभाल के रखना है, बाकी चीज़ें तो कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी मिलते हैं आपको सफ़र में, तब तक स्टे ट्यून, बने रहो। यहाँ पर हमारे भाई लोग भी पहुँच चुके हैं। ये प्रकाश छोड़ेगा हमें, और माई का है रिंकू भैया है, रिंकू भाई हमें छोड़ेंगे। भाई तो भाई पूरा ठीक, तो चले चलो फिर। तो अब हम सीधे निकल रहे हैं आइस बीटी की तरफ। तो फाइनली गाइस हम आइस बीटी पहुँच चुके हैं। अब हरियाणा के लिए हमें बस लेना है। तो भाई लोग यहीं तक ही है, वहाँ पर हमारी स्कूटी है, तो ये दोनों लेके जाएंगे। एक मेरे घर पे छोड़ेंगे, ये पता नहीं कितने टाइम बाद छोड़ेंगे, ये नहीं पता, इस बंदे का भरोसा नहीं है मुझे। अब पता नहीं टंकी भी फुल होगा, फुल है अभी तो, अब तो पूरा देहरादून खाली होगा, खाली होगा या क्या होगा मुझे नहीं पता, देहरादून घुमा जाएगा अब तो। तो बाकी अभी हम अंदर जाते हैं, थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं, तब तक बने रहो। तो दोस्तों हम बस में बैठ चुके हैं, अभी हम जा रहे सीधे पोंटा साहिब। पोंटा साहिब से मिलेगा सीधे कुरुक्षेत्र के लिए गाड़ी, तो यहाँ से तो मिली नहीं, तो पोंटा साहिब के लिए निकले हम। तो बाकी पोंटा साहिब जाके मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों हम पोंटा साहिब पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से निकलना है हमें यमुनानगर। फिर यमुनानगर से हम निकलेंगे कुरुक्षेत्र के। तो अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, थोड़ी देर बाद यमुनानगर की गाड़ी आएगी, उसके बाद हम निकलेंगे यमुनानगर की तरफ। तब तक बने रहो। तो फाइनली गाइस कुरुक्षेत्र के लिए बस हमें मिल चुकी है। तो आप जा रहे सीधे कुरुक्षेत्र, तो बहुत इधर उधर करना पड़ा, तब जाके हमें फाइनली मतलब ये आखिरी बस था। तो और जैसे हम यहाँ पर बस स्टैंड पहुँचा और हमें बस मिल गया, आप हम बैठ चुके हैं बस में, आपसे मिलते कुरुक्षेत्र में सीधे। सो गाइस फाइनली हम कुरुक्षेत्र पहुँच चुके हैं। तो अभी पता नहीं है क्योंकि रात को पहुंचे, अभी जाना कहाँ है करके, कहाँ पर रुकना है करके अभी पता नहीं चला। तो देखते हैं अभी पहले रुकने का, देखते हैं थोड़ा ठिकाना, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फाइनली गाइस हम हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर हम रुके जाट धर्मशाला पे। बहुत ढूंढने के बाद हमें ये धर्मशाला मिला। तो ये धर्मशाला का रूम है, ठीक है, क्योंकि पर डे 200 का है, तो काफ़ी अच्छा है रूम, मतलब हमारे लिए तो ठीक है, मतलब जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए ठीक है। बाकी अभी यहाँ धर्मशाला के जो भंडारा भी चल रहा है, तो हम वहीं जाके खाना खाएंगे। तो बाकी तब तक आप स्टे ट्यून। दोस्तों हम यहाँ धर्मशाला के मंदिर पे आए थे, जैसे हम अभी पहुँचे ही हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मंदिर बना रखा है। तो यहाँ पर आप देखो माँ दुर्गा है, तो यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण और माँ सीता भी है, और ये है जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया है। जब इनका इम्पैक्ट मेरी लाइफ में पड़ा, तब जाके मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर पाया। ये श्री कृष्ण और राधा रानी, और ये हमारे शिव जी और माँ पार्वती, और यहाँ पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी, यहाँ पर माँ सरस्वती, यहाँ पर श्री बजरंग बली जी,
और यहाँ पर है भगवत श्री धंगाराम जी, काफी अच्छा मंदिर मतलब। तो यहाँ पर हमारे दोस्त नंदी के कान में कुछ कह रहे हैं, कहते हैं कि नंदी जी के कान में जब आप कुछ कहो तो वो नंदी जी महादेव तक पहुँचा देते हैं। तो ये महादेव का, ये भी महादेव का भक्त है तो नंदी के कान में बोल रहा है। तो देखो आप, और ये धर्मशाला आई थिंक 1970 का है। तो अभी हम डिनर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हाँ, फाइनली हम खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। तो ये है हमारा खाना जो धर्मशाला ने प्रोवाइड किया। इसका कोई पैसा नहीं है, वो यहाँ की तरफ से फ्री है। तो यहाँ पर कोई भी दुकान नहीं रहता, मतलब अच्छा भी धर्मशाला में हर दिन 1000 लोगों से ज़्यादा की भीड़ होती है और कोई भी यहाँ पर आके भोजन ले सकता है। तो अभी हम भी यहाँ पर भोजन ले रहे हैं, रेडी हो रहा है, खाने के बाद आप लोग तब तक स्टे क्यों। तो दोस्तों अब हम लंच करने के लिए जा रहे हैं, वहीं पर है जहाँ पर कल रात को खाना खाया था, वहीं धर्मशाला के भोजनालय में जा रहे हैं हम। और शायद अभी भी बहुत सारे लोग अभी खा रहे होंगे, तो हम वहीं जा रहे हैं, तब तक बने रहो। तो फाइनली दोस्तों हम निकल चुके हैं अपने धर्मशाला से। पहले हम लोगों ने चाय पी, चाय के साथ मटर लिया नाश्ते में, बस उतना ही है हमारा। और आज का हमारा बजट है 700 से ज़्यादा हम खर्च नहीं करने वाले, ये हमने टारगेट बनाया है। बाकी अभी हम जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तो वहीं चलते फिर आपको भी दिखाएंगे, तब तक बने रहो। तो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं पेवा में, और यहाँ पर जो इस एरिया का जो नाम है ना, और जिस जिस इससे बुलाया जाता है, ये है सरस्वती तीर्थ। तो यहाँ पर जो द्वार है हम वहीं से घुसेंगे सेवा के अंदर, चलो तब तक बने रहो। तो ये है सरस्वती द्वार, तो जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है सरस्वती द्वार, ये है हरियाणा में सिचुएटेड। तो फाइनली गाइस हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा हम उल्टे रास्ते में चले गए थे पेवा से, तो पेवा से हमें जाना था ज्योतिषर, जहाँ पर मतलब वो गीता का ज्ञान मतलब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। तो यहाँ पर अभी 4 बज रहे शाम के, तो शाम के 4 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं हम। तो थोड़ा सा चाय पी के फिर निकलते हैं वहाँ पर, तो तब तक आप बने रहो हमारे साथ। फिलहाल दोस्तों फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हो पीछे। तो यहाँ पर हमारा प्रसाद बन रहा है, दीकेरी की धागा वगैरह भी बनता है, प्रसाद वगैरह भी चढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर बैठेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मैं तो मेडिटेशन करूँगा, इसका पता है करेगा नहीं करेगा है ना, लेकिन मैं करूँगा थोड़ी देर बैठ के। दो कर दीजिए दो, तो फिर आप अंदर जाके थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको, है ना। अंधेरा भी हो गया है, बाकी तब तक बने रहो हमारे साथ, स्टे ट्यून। तो ये बन रहा है हमारा प्रसाद, प्रसाद दोस्तों। ये हम एंट्रेंस पर पहुंच चुके हैं, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे खुद नहीं पता, मैं शायद अंदर से इमोशनल हो रहा हूँ कि मतलब यहाँ से पहुंचने के बाद बहुत पापड़ बेलने पड़े यार, कभी इधर कभी उधर। क्योंकि जब भगवद गीता मैंने पढ़ना स्टार्ट किया या उनका ज्ञान लेना स्टार्ट किया, तो बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस हुआ। तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूँ करके, लाइफ चेंज हुआ था तब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था। मैं मतलब यहाँ पर आज आ पाया कि मतलब मैं इतना खुशकिस्मत हूँ। तो जहाँ से मतलब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, तो उसी चीज ने जब मैंने उस चीज को लेना शुरू किया, तो मतलब लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आने लगी। तो जब मैं आज यहाँ पर हूँ तो एक अलग ही फीलिंग आ रही है, बाकी बने रहो यार आप सबको दिखाऊंगा। दोस्तों थोड़ा इमोशनल हो गया था, क्योंकि यहाँ पर हर मतलब मुझे लगता है कि यार कि मैं इतना किस्मत वाला हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँच गया करके ना, लेकिन
आप देखो, आपको भी दिखाऊंगा। तो ये बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है यहाँ पर। तो और यहाँ पर छोटा सा लेक भी है बना हुआ है ना। तो अब हम वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को प्रॉपर गीता का ज्ञान दिया था। तो चलिए यार, मैं वहीं जाता हूँ। तो दोस्तों, ये मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये वही जगह है मेन, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता का ज्ञान पास ऑन किया था। तो यहाँ पर एक शायद बरगद का पेड़ है, ये देख सकते हैं आप। वो ये बरगद का पेड़ है और यहाँ पर है श्री कृष्ण जी की और अर्जुन जी की स्मृति जो बनाई हुई है, जो रथ में बैठे हुए हैं दोनों। और तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं ऊपर जाके आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर ही जाके दिखाते हैं। तो आई थिंक जब शंकराचार्य जी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस जगह को निश्चित करके कंफर्म किया था कि हाँ, यही वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता का ज्ञान पास ऑन किया था। तो ये है वो स्मृति। ये तो शायद रिसेंटली बनी होगी, कुछ साल हुए है ना। तो ये अर्जुन जी बैठे हुए हैं जब उन्होंने अपने हथियार को टाल दिया था। तो श्री कृष्ण जी उनको गीता का हर एक ज्ञान पास ऑन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो है ना, तो ये रथ है। तो ये नीचे आप देखो है ना, उन्होंने अर्जुन जी ने पूरा अपने जितने भी अस्त्र थे वो त्याग दिए थे, तब जाके स्टार्ट हुआ था गीता का ज्ञान। तो यहाँ पर है बरगद का पेड़। बाकी थोड़ा सा और दिखाऊंगा आपको आसपास के जितने भी मंदिर हैं। यहाँ पर जो कृष्ण जी का जो प्रचंड रूप है उसकी भी स्त्री स्मृति बनी हुई है। तो वहाँ पर भी जाके आपको दिखाऊंगा। तो तब तक आप बने रहो मेरे साथ। काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे ना, ये शांत एकदम माहौल, कि मतलब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। तो तब तक बने रहो आप। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो प्रचंड रूप है उसकी भी स्मृति बनी हुई है। तो ये देखो आप, थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। तो ये उनका जो प्रचंड रूप था तो वो भी बना हुआ है। तो यहाँ पर लेक वगैरह भी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो सेटिस्फेक्शन अंदर से जो मिल रहा है ना, वो मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे साथ अभी जितने भी ज्वाइन किया है, अब हम साथ में ही टूर करने वाले हैं ऑल इंडिया। तो उसका मेरा टूर स्टार्ट हुआ था वृंदावन से और उसका टूर स्टार्ट हुआ क्रूज क्षेत्र से। मतलब वो परेशान हो गया था लाइफ में, तो वो उसको मिला मैं। और जब मुझे लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट करनी थी तब मैंने किया वृंदावन से। मतलब उसकी भी स्टार्टिंग मतलब श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से ही हुआ और मेरी भी स्टार्टिंग श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से ही हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि यार कनेक्टेड है करके ना, तो अब ये भी मेरे साथ ही टूर करेगा। अब रास्ते में पता नहीं कितनी सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम दोनों मिलके उसे सॉर्ट आउट कर ही लेंगे। तो इसमें आप लोग अभी सपोर्ट चाहिए हमें। तो दोस्तों, शायद अभी यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें तो दिखा दिया है ना, पूरा लाइट वगैरह ऑफ हो चुका है। तो यहाँ पर शायद अभी लाइटनिंग वगैरह होगा, कुछ होगा शायद, मैं दिखाऊंगा। मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है यहाँ पर, जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा। फिर हम निकलते हैं फिर अपने रूम की ओर। तो देखिए अभी यहाँ पर चीज़ें तो हो रही, लेकिन क्या हो रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ्लैशिंग वगैरह तो ऑन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर शायद अभी जो श्री कृष्ण ने और अर्जुन के बीच में जो भी बातचीत हुई वो शायद यहाँ पर दिखाने वाले हैं। थोड़ा सा देखेंगे हम, फिर हम निकल जाएंगे। तो तब तक स्टे ट्यून। तो दोस्तों ये वही बरगद का पेड़ और वहाँ पर जो मैंने दिखाया था, तो यहाँ पर अभी कथा चल रहा है।
तो यहाँ पर अभी कथा चल रहा है, तो जो लाइटनिंग है वो फ्लैश ऑफ करके दिखाऊंगा आप लोगों को। सब प्यारा लग रहा ना लाइटनिंग, देखो गौरवों की ओर से नाना शक्ति एक एक कर सारे गांव धन धान्य और संपत्ति पांडव हारते चले गए। दूसरे भाइयों ने बड़े भाई को आगे खेलने से रोकने के अनेक यत्न किए, किंतु जैसे ही युधिष्ठिर मारने को होते शकुनी ने और उकसा देखा। कहा सोच रहा था इधर सुशासन द्रौपदी को उसके। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा फाउंटेन में प्रोजेक्शन हो रहा है, और ये दूसरा प्रोजेक्टर ये फाउंटेन में चल रहा है प्रोजेक्शन, और ये श्री कृष्ण पूरा का पूरा फाउंटेन का है, पूरा का पूरा फाउंटेन में चल रहा है प्रोजेक्शन। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं वहां से मंदिर से जहां पर बनाया हुआ था, तो अंदर आप लोगों ने भी देख लिया नज़ारा, मतलब फाउंटेन के ऊपर पूरा प्रोजेक्शन चल रहा था, मतलब महाभारत का, मतलब जो गीता का 2-3 उपनिषद का, मतलब वो उन लोगों ने पूरा एक 40 मिनट्स का मूवी टाइप बना रखा था। तो मैं तो बैठे बैठे मतलब आंखों से आंसू आ रहे थे, तो और ये भी थोड़ा इमोशनल हो गया था चीज़ें देख के। इसके साथ भी मतलब आज बहुत सारे घटनाएं घटी है जो मैं बयान ही नहीं कर सकता है, वो मैं कैसे बताऊं यार। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब अनसर्टन हुआ इसके साथ भी, तो इसने भी कई सारी चीज़ें रियलाइज किया। तो बाकी अभी हम वहाँ से निकले तो बस तो मिला नहीं हमें, तो कम से कम 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से हमारा धर्मशाला। तो हमने सोचा कि यार बस का इंतज़ार करने से अच्छा तो यार हम लोग ना पैदल ही चलते घर के, तो हम पैदल ही जा रहे हैं। अभी कम से कम आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे, तो तब तक आप स्टे ट्यून्ड, आपसे रूम में जाके ही बात करते हैं, बाय बाय। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है, तो रात को बहुत टाइम हो गया था तो वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। हमने उस जगह पे विजिट किया जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता का ज्ञान पास किया था, गीता का ज्ञान दिया था। तो वहाँ पर हमने 40 मिनट्स का जो गीता का उपदेश था वो पूरा प्रोजेक्टर में चला रहे थे, फाउंटेन प्रोजेक्टर था, और मतलब 3-3 प्रोजेक्टर थे उसमें चला रहे थे, मतलब उस चीज़ का एक्सपीरियंस प्रॉपरली किया, फर्स्ट टाइम था ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में। तो और कई सारी जगह पे गए, लेकिन मतलब कई सारी जगह का मैं कैप्चर नहीं कर पाया था। बाकी होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, एंड शेयर करना मत भूलना। एंड तब तक बने रहो मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड।